बयान करते थे, भाव डाल देते हैं। उर्दू पढ़ो लिखो, उर्दू से वाक है, अफ्रीकी लोग मेरे को जबानी है ना, उर्दू के जाति लोग हैं, तो मैंने खुद सुना, बहुत बड़ा मजबूत है। कहा उर्दू लिखो पढ़ो ताकि उर्दू वालों से रब्त कायम रहे। सही बड़ी बात है, उर्दू लिखो पढ़ो मतलब पढ़ना निशा में ला कर करो ताकि उर्दू वालों से रब्त कायम रहे, क्योंकि जबान जानोगे तो उनके करीब जाओगे, जबान नहीं जानोगे तो उनके करीब ही जाओगे, तो बहुत से उलूम से महरूम रह जाओगे। वहाँ बहुत कितने आदमी थे पूजा थी अफ्रीका का, मुझे बड़ी कदर हुई उनकी, ज़्यादातर उर्दू जानो, तमाम उलूम उर्दू में आ चुके हैं। उर्दू जानोगे तो उर्दू दानों से तुमको हरा रख रहेगा, आवला बात है, मामूली बात नहीं है। फिर वो हजारों आदमी थे घर कर रहे शमाले लम्बी का सच चश्मा ये अरबी किताब है ना, कितना उम्दा लिखा है। बस होता अरबी में भी वही किताब है अखलाक जात पर, पूरी जो हमारे मशाइख बयान करते थे वही चीजें बयान किए हैं। शेर मोहम्मद सब जाते रहे, अच्छा हाँ हाँ इस पर और एक यह है कि कहा जाए कि आपके अंदर तकबुर नहीं है, इस पर ही किताब है नफी पर। अब एक किताब है मेरे लिए जान है, हिरज़े जान है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन तालीमात पर भी अमल की तौफीक दे, इससे शगफ हो। अखलाक याद किताब के तो नहीं है उर्दू के लिए, हिल्म और अफो जो खुला हुआ बयान कर रहा हूं, हिल्म और अफो अगर मोसनी में है कि हिल्म को पलटो तो क्या होगा, मिल हो जाएगा। मिल कहते हैं नमक है, मिल माने नमक, कहते हैं जैसे खाने के लिए मिल की जरूरत है नमक की, उसी तरीके से अखलाक में हिल्म की जरूरत है। हिल्म को पलटोगे तो मिल हो जाएगा, और मिल को पलटोगे तो हिल्म हो जाएगा। हो गया, नाम तो जानते भी नहीं, उर्दू ही नहीं जानते तब क्या हिल्म। इमाम गजाली ने फरमाया हिल्म बुर्दबारी, बड़ी अच्छी बात किया है। चौदहवीं फसल हिल्म और अफ के बयान में जरूरत है, हिल्म अफ की जरूरत है। हजरत महसूल्ला साहब के सब लोग जमा थे, शब कदर थी, ये थे सुबह को आपस में झगड़ा हो गया है, पता मुझे बात मौजूद और बात है, तुम राजा पढ़ा क्या तुम लोगों ने, उस पढ़ने का नतीजा ये है कि आपस में जंग हो गई, क्या कुछ नहीं पढ़ा तुमने, बहुत डांटा कि मस्जिद में से हम लोग तो कह रही थे, कहा तुमने रात भर शब कदर कुरान शरीफ सुना है और सुबह के लिए लाठी चल गई, कहा क्या पढ़ा तुमने, कि कुरान पढ़ने का नतीजा ये है कुछ जंग हो जाए, कुरान पढ़ने का सुना है
प्राण कहता है कि तुम सब आधा थे, उदूर के आने के बाद सब दोस्त हो गए, ये है होना तो ये चाहिए, लेकिन तुमने रात भर कुरान पढ़ा अब उसके बाद जन्म हो गई। बहुत इस पर बहुत दिनों से बस कहते हैं होगा सब लिखा हुआ है। असल हिल्म बहुत बड़ी चीज है, हिल्म को पलट दो तो मिल्ह हो जाएगा। मिल्ह माने नमक, जिधर खाने के लिए नमक की जरूरत है उसी तरीके अखलाक में खुल के मिल हिल्म की जरूरत है। अल्लाह हम सब कुछ। एक बुजुर्ग थे है किताबों में, उनको किसी ने बहुत गाली दिया, बुरा भला कहा, सुनते रहे सुनते रहे। जब अपने घर जाने लगे, जब दरवाजे बैठे, कहा ए बेटा ये जैसे जो कहा हो आओ, जो कुछ कहना है और कह दो, अब हम घर में जा रहे हैं, जो कुछ कहना है और कह दो। हमारे बुजुर्ग आए दिन अलहमदिल्ला सरापा हिल्म, अल्लाह हम सब बुजुर्ग सरापा हिल्म, बहुत बड़ी सिफत है हिल्म। हिल्म बुढ़वारी गुस्सा पी जाने से अफजल है, इसी के गुस्से का पी जाना ही बतकल्लुफ बुढ़वारी इख्तियार करने का नाम है। गुस्सा पी जाने की जरूरत उस शख्स को होती है जिसका गुस्सा भड़क उठे, मुश्तइल हो जाए। इस हाल में सख्त मुजाहदे की जरूरत होती है, गुस्सा भड़क गया है फिर उसको जब्त करना है। इस हालत में सख्त मुजाहदे की जरूरत है, लेकिन जब तुम इसको एक मुद्दत तक करोगे तो आदत बन जाएगी। खुल्क वो खुल्क बन जाए, पहले आदत उसके बाद इबादत। पहले आदत ही होती है और स्थानीय थे बहुत, उसके बाद इबादत। आदमी इरादा करे सब कुछ आसान है। इसलाह अखलाक फर्ज है, कोई नहीं कर सकता कि हमसे नहीं हो सकता। कभी कोई कहता था ऐसा क्या, अगर गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कहा दोजख के आग को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। सख्त है गुस्से आ तुमको भी दोजख मिल जाएगा, वहां बर्दाश्त करना पड़ेगा। गजब तवक्कुल और तवक्कुल और तवाजो तलीक की बुनियाद है। तवक्कुल से अल्लाह ताला से तली हदल की जो है, तवक्कुल से अल्लाह ताला से तवक्कुल ताल्लुक पैदा होगा, और तवाजो से मखलूक से। यही तसव्वुफ है, यही सुनो दो चीजें असर माशा बहुत इसी प्यार ही करते थे। दो चीजें हैं तवाजो तवक्कुल, तवक्कुल से अल्लाह से ताल्लुक दुरुस्त होगा, तवाजो से मखलूक से। कहलाते भी रहते थे लोगों पास, क्या समझे आए हो, हर काम में आए थे क्या समझे। अक्सर कभी कोई मजे की बारी उठा कहते क्या समझे आप लोग, तो वो सब कर सकते थे हम लोग क्या कर सकते। मजी बन या कोई फायदा नहीं, क्या मजीज करो। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने बुजुर्गों की तालीमात पर चलने की तौफीक दे। गुस्सा पी जाने से हिल्म, थोड़ी सी पढ़ूंगा, हिल्म बुद्धबारी गुस्सा पी जाने से अफजल है। इसी की गुस्से का पी जाना बतकल्लुफ बुद्धबारी अख्तियार करने का नाम है, और गुस्से को पी जाने की जरूरत उस शख्स को होती है जिसका गुस्सा भड़क उठे और मुश्तइल हो जाए। इस हाल में सख्त मुजाहदे की जरूरत होती है, लेकिन जब तुम उसको एक मुद्दत तक करोगे तो आदत बन जाएगी। तो कहते हैं बहुत मुश्किल है मुश्किल, लेकिन उसके इस्लाह करने की जब फिक्र करोगे अल्लाह से मदद होगी। और माता जी भाई दुआ किया करो कि अल्लाह ताला हमारे बुढ़ापे पर राम करे, खुद आदत का जुड़ाई करे, हमारी जवानी पे अल्लाह राम करे। हालात बहुत ही नाजुक है, तू ही हमको बचा सकता है।
اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن يوم السوء من ليلة السوء من ساعة السوء من ساعة وسق بيجنا بتكلو بود ماري اختیار کرنے کا نام ہے. اور غصے کو پی جانے کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جس کا غصہ بھڑک اٹھے, وہ مشتعل ہو جائے اور اس حالت میں سخت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے تو انکار بھی کر دیتا ہے. صورت میں بہت جب غصے میں تو کچھ بات کہانی ملی جائے گی, کیونکہ اسے سخت بات تو وہ کر سکتا ہے, ہوتا ہے مرا کے جائے. اس کے لیے دیکھو کب ہم غصہ کریں, کن الفاظ میں ہم اس کو سکھائیں, کن الفاظ میں, الفاظ میں نرم ہو, ایسی بات نہ کرو کہ دین ہی کا منکر ہو جائے, دین ہی وہ کچھ کہہ دے. پھر غصہ نہیں بھرے. اگر کبھی بھڑک بھی اٹھے تو بے جا بھڑک بھی اٹھے تو پی جائے, اور یہی طبعی علم و بردباری ہے. اور یہ عقل کے کمال اور غصے کی قوت کے ٹوٹ جانے اور اس کے تابع عقل ہو جانے کی دلیل ہے. اس کی اتنا بتکلف بردباری اختیار کرنے سے اور غصے کو تکلف کے ساتھ پی جانے سے ہوتی ہے. جب کچھ مجاہدہ کرو گے تب یہ چیز آئے گی. کسی نے مجاہدہ کیا بزرگوں کا ہمیں یاد ہے, سوائے کچھ وظیفہ پڑھ لیا ہے, اخلاق کا تو نام ہی نہیں آتا. حضرت تھاری کے کوئی جاتا تھا, کہتا حضرت ابراہیم بچھا دیں گے, حضرت میں نے وظیفہ پڑھنے شروع کر دیا. کہا تم ہمارے یہاں آئے ہو, اپنی طرف سے وظیفہ کب سے شروع کر دیا تم نے؟ ڈال دیا. ہو سکتا ہے کہ میں تم سے کہتا کہ سورہ فاتحہ کی اجرا کرو, سب تصحیح کرو اس کو, یہ ہے اس میں تمہاری ہوتے تھے نمازی نہ ہوتی ہو. مجھ سے اگر مشورہ لیتے کہتے کہ اتنا مشق کر لو قرآن نماز تو صحیح ہو جائے تمہاری. اور مسلح تھے ہمارا تھانوی, کسی بات ہو تم نے سب دے کوئی ہو کہیں دے دیتے ادب کے ساتھ. بہت اچھا ہے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور آپ کو درگزر کی چند مثال ہے. اس عنوان کے تحت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری کی بعض مثالوں سے آگاہ دیں گے, اس لیے کہ ان سب کا احاطہ کرنا دشوار ہے. ان میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر دن میں ایسا واقعہ پیش آتا تھا جس سے آپ کا حلم ظاہر ہوتا تھا. روزانہ کچھ ایسی بات ہوتی تھی جس سے وہ سب بھڑ گئے. سب جو بھی سکھانا تھا ایسی چیز پیش آئے گی اس پہ ضرور تب تو دیکھیں گی امت. اس میں شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے ہر دن میں ایسا واقعہ پیش آتا تھا جس سے آپ کا حلم ظاہر ہوتا تھا. غصے کا پی جانا ہے حلم جس صورت پیدا ہوتی تھی. ہاں میں بھی کہتے تھے حضرت کیا کوئی کوئی بات روز ہی رہتی تھی جو مجھے بھی بیان کرتے, لوگ یہاں آتے ہیں یہ کرتے ہیں یہی توجہ دیتے ہیں, نکلو تم لوگ, نکال دیتے تھے وہاں کھڑے باہر. ہر آدمی آ کہتا تھا حضرت ہم کس لیے آئے ہو؟ بھائی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں, اصلاحی باتیں سنیں. یہ کہیں نہیں ہوتا تھا, پرواہ نہیں, پھر آنے جانے سے کچھ نہیں ہوگا, کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. غصے کی ضائع کرنے کی نیت کریں گے تب تو غصہ جائے گا. یہاں بھی آتے ہو غصہ کرتے ہو, تمہارے بیوی بچے پریشان ہیں, تم سے پڑوسی بھی پریشان ہیں,
ये इसलाह थी। मुस्लिम उम्मत यही तो नाम रख दिया, ओलम मशाइख ने नाम रखा है मुस्लिम उम्मत, ये लगाओ कोई बात होती है। जरूर कहते थे, बड़े बड़े लोग आने लगे थे, सभी पूरा तबका ही आने लगे, और जहाँ कहते थे ये सब आने लगे, अल्लामा खुद आते सिख लाए बैठे मजलिस में, बैठे बहुत खुश हुए, फख्र करते थे कि हमारे शागिर्दों में ऐसा पैदा हो गया, फख्र खतो किताबत किया। जिसको इस्लाह की फिक्र होता होती है मुझे, वो छोटा बड़ा नहीं देखता। इस उन्वान के तहत हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुर्दबारी के बाद मिसालों से आगाह होंगे, इसलिए कि उन सब का अहाता करना एक दुश्वार अमर है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारक के हर दिन में ऐसा वाकया पेश आता था जिससे आपका हिल में जाहिर होता था। अब वाकई आता था, हाँ वो तो हुआ है, हम अपने द्वारा हर दिन सुबह को हम लोग उठते थे, भाई कोई वाकया पेश नहीं आया, क्योंकि अब हम लोग रात में सोते नहीं थे, वो मन यहाँ है हजरत क्या दूसरे लोग रहते थे सोने वाले होता है, नहीं वाकई आता था। कोई बात ऐसी हो गई, कोई बात उसके दबाव से निकल गई, तुमने ये कैसे कहा, रोज रोज रहता था। खूने दिल पीने कहते थे आओ, खूने दिल पीने को, लखते जिगर खाने को, ये गजा मिलती है जाना तेरे दीवाने को, जब अपने को मिटाओगे तब कुछ मिलेगा। किबर से किसी को नहीं मिला, बुजुर्गों ने अपने को मिटाया है तब मिला है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने मुजाहदात किए हैं कि नहीं, कितने मुजाहदात किए कराए गए, कामयाबी तो काम से होगी न कि घुसने का नाम से, जिक्र के इंतजाम से होगी, फिक्र के एहतमाम से होगी। फरमाते थे कि खुतूत का लिखना अपने हालात की तय करना जरूरी था, तो नहीं अक्सर और बेहतर गिरफ्त हम लोग की इसी को होती थी कि बड़ा दिन अपने हालात को लिखो, मगर जाहिर तबीब को पूरा हाल लिखना मुश्किल है, ये बात ही तबीब क्या लिखे हम लोग, हालात नहीं अपने हालात कोई लिखेगा, ये हमारे अंदर तकब्बुर है, कोई लिखेगा हमारे अंदर हसद है, ये तो कह देंगे कि हमारी ये फला बीमारी है जाहिर, ये कहने के लिए कौन तैयार है। खूने दिल पीने को, लखते जिगर खाने को, ये गजा मिलती है जाना तेरे दीवाने को, बुखारी ने हजरत अनस बिन मालिक से तकरीर की थी, उन्होंने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था, आप पर एक धारी दार नजरानी चादर थी जिसका किनारा दबीस था, आपको एक बदवी ने पकड़ लिया देहाती बदवी, और आपको सख्ती के साथ खींचा, यहाँ तक कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन के सामने के हिस्से को देखा, उस पर उसके सख्ती के साथ खींचने की वजह से चादर के हाशिए का निशान पड़ गया। इतने के बाद रोक लिया उसने, सख्ती से रोका, और वाकया जानता है कितने लोग जानते हैं कि किताबी फिर इसी पर लिखी है, अखलाकियात शारे की किताब अब तक अरब ने भी अरब किया है, हम लोगों ने तर्जमा किया है, सब लोग शरीके हैं। चादर के हाशिए के निशान पड़ गया है, फिर आराम ने कहा अल्लाह का वो माल जो आपके पास है उसको दे दो हमको, अल्लाह का जो माल है मुझे देने का फरमान जारी करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए और हंस दिए कि मुशक्कत में फिर चादर, समझ रहे ना ये तस्वीर की जरूरत नहीं, हंस दिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देने का आदेश दिया, ये नहीं कि कुछ चादर मारो भगाओ, ये कोई तालीम है
माल का तालिब है, उर्वत है, सख्ती कर रहा है, उसको मार रहे हैं। नरम जवाब दो, शफकत का जवाब दो। उस आरामी का खींचना उस वक्त, उस आरामी का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खींचना इस कुव्वत और शिद्दत के साथ था जिसकी वजाहत मुस्लिम शरीफ की एक रवायत से होती है। चाचा मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में आया है, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ ऐसी सख्ती से खींचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आरामी की गर्दन के पास पहुंच गए। जोर से खींचा, अभी देखिए तशरीह से तो कभी सुनाया भी नहीं, अहमियत है कि नहीं मारा, ये नहीं कि मामूली तरफ से खींच के कह दिया। कहा ये अखलाक सुने भी नहीं हमारे हमारे कौन गए। उसने आपको अपनी तरफ ऐसी सख्ती से खींचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस आरामी की गर्दन के पास पहुंच गए। एक दूसरी रिवाज में है उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खींचा यहां तक कि चादर फट गई और उसका किनारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन में बाकी था। सोचिए गौर कीजिए, चादर फट गई, गई उनका कुछ हिस्सा यहां रह गया बाकी उसके हाथ में जाए। कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशक्कत हमारी इस्लाहत जिसको कोई बयान नहीं करता। आप उनको कितनी मशक्कत बता करनी पड़ी है, एक बात कोई कह दे तो आप तीन दिन तीन महीने बोलेंगे नहीं, उससे बोलेंगे जिसे हमारे साथ ये किया है। अल्लाह हम सब लोगों को हुरु कह दिए। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ ऐसी सख्ती से खींचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आरबी के गर्दन के पास पहुंच गए। खुद सोचिए गौर कीजिए, फिर खींचते हुए याद सैयदुल कौनैन के साथ ये मामला हो रहा है, क्योंकि तरीक यही है। हमारे हजरत कहते थे सभी को मुजाहदा करना पड़ता है, कोई बगैर मुजाहदे को कहीं नहीं पहुंचता, क्योंकि रास्ता यही है, तरीक मुजाहदे ही है, मुजाहदे ही के जरिए से कहीं पहुंचोगे। मिसालें क्या बयान किया, हम तो इसी में रही कैसी कैसी मिसालें भी हैं। इनकार की मुखद इनकार हमने आप ये वजीफा लीजिए, आपको हम नहीं पढ़ाएंगे। अरे फरमाया मेरा क्या बिगड़ेगा भाई, तुम उसको छोड़ो वजीफे के, तुम जानो हमारे सामने की बात है, कुछ बोले नहीं अंदर। एक दूसरी रिवायत में है कि आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खींचा यहां तक चादर फट गई और उसका किनारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में रह गया। इतनी तफसील कहीं आता तो है, यही इतनी तफसील से रवायत नहीं मिली गई। इन्होंने लिखा अरब मालिम है, जबरदस्त किताब अरबी में लिखी है, खुद लिखा ऐसी किताब अखलाक के सिलसिले में नहीं लिखी गई। इस वाकये में सूरत हाल का तस्वीर ही जाहिर कर रहा है कि आपका हिम कितना आजिम था। विज्ञान का नहीं देते तभी पकड़ के तरह खींचे, इसी में मन क्या क्या हो जाए इतनी देर में। इस वाकये में सूरत हाल का तस्वीर ही जाहिर करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म कितना अजीम था। खुद हम लोगों को भी बयान करने वाले सुनने वाले को मुताबिक करना चाहिए कि हमारा ये अखलाक है कि नहीं। खुरुक अजीम इन लाला खुरुक अजीम, खुरुक अजीम की सब मिसालें हैं। बगैर खुरुक अजीम को इख्तियार क्या रहे, नस्बत मानना फरमाते हैं जिसके अखलाक की सलाह नहीं नस्बत मानना की सलाहियत भी पैदा नहीं होती। माथारी का जुमला है, बयान किया था। नीज बुखारी ने ही हजरत आयशा से रवायत किया है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, क्या आप पर योम वहद पर ज्यादा से ज्यादा कोई सख्त दिन आया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बेशक मैंने तुम्हारी कौम से जो पाया वो पाया, ये नाकाबिल बयान है। तुम्हारी कौम से जो पाया वो पाया, हमें क्या मिला सिवाय इज्जत दिया गया, थोड़ी सी बात हो सब छोड़ दिया था। और सबसे ज्यादा सख्त बात जो उनसे मुझको पेश आई वो योम अकबा है, क्योंकि मैंने आपको इब्न अबिल्लैल इब्न अबिल के सामने पेश किया तो उसने मेरी बात को कबूल नहीं किया। मैं सीधा चल पड़ा और मैं बम डरा था, मुझे कर्न सालिम में जाकर होश आया। मैंने अपना सर उठाया तो मैंने देखा कि एक बादल मुझ पर साया फगन है। मैंने देखा कि उसमें जिब्रील सलाम है। मुझको उन्होंने पुकारा और कहा, अल्लाह ने तुम्हारी कौम की बात जो उसे तुमसे की सुनी और जो जवाब उन्होंने तुम्हें दिया वो भी सुना। अल्लाह ताला ने आपके पास पहाड़ों के फरिश्तों को भेजा ताकि आपको उनके बारे में जो चाहे हुक्म फरमाए। फिर पहाड़ों के फरिश्ते ने मुझको पुकारा और मुझको सलाम किया, फिर कहा, ए मोहम्मद, फिर कहा, ये उसके बारे में है जो आप चाहें, अगर आप चाहें तो मैं दोनों पहाड़ों को, मैं इसलिए आया हूं, अगर कहे थे दोनों पहाड़ों को मिला दे सब नेस्त नाबूद हो जाए गुजर जाए। मुझको सलाम, फिर कहा, ए मोहम्मद, फिर कहा, ये उसके बारे में है जो आप चाहें, अगर आप चाहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिला दूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, नहीं, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह ताला इनकी पुश्तों और सीनों से ऐसे लोगों को निकालेगा जो अल्लाह वादू ला शरीक की इबादत करेंगे। ख़त्म हो जाएंगे तो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, उसके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करेंगे। यदि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर योम उहद से ज्यादा सख्त था कितनी परेशानी। और उहद के दिन मुसलमानों को जो तकलीफ मुसीबत पहुंची और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक जख्मी हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चार दांत शहीद हुए और खुद आपके सर पर सर मुबारक पर छोड़ गए, आपके सहाबा में से 70 सहाबा शहीद हो गए। उसके बावजूद ताइब की तरफ जाने का दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहद के दिन से भी ज्यादा सख्त था। ये देखिए कितनी तकलीफ उस दिन हुई, लेकिन ताइब में जो तकलीफ पहुंची वो सबसे ज्यादा थी, सब अपने लोग थे। अल्लाह ताला बावजूद ताइब की तकलीफ जाने का दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उहद के दिन से ज्यादा सख्त है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से तमाम उम्मीदें खत्म होने के बाद मक्का से तनहाई अपनी दावत की जगह की तलाश में निकले थे और ताइफ वालों का जवाब और रद्द अमल उससे भी बुरा था, मक्के वालों से भी ज्यादा बुरा हुआ। तस्वीर किया जा सकता है उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया और आपसे ठट्ठीबाजी की और आपके पीछे अपने शरपसंदों और लड़कों को लगाया गया, आपको पत्थरों से मारे, यहाँ तक कि आप निकल गए और सख्त नफसियाती कैफियत, मक्के वालों से मायूसी, अहले ताइफ से मायूसी, थकावट मशक्कत और जख्मों के दरमियान आपके पास एक फरिश्ता आता है कि आपके ख्वाहिश पर लब्बैक कहे। ये तकलीफ पहुंचाए लोगों ने फरिश्ता आया कि आपके ख्वाहिश पर लब्बैक कहे, अगर आप चाहें कि मक्का वालों पर दोनों पहाड़ों को मिला दें तो ऐसा कर देगा, दोनों खस कुचल जाएंगे मर जाएंगे। जाहिर दोनों पहाड़ों को मिला दे तो ऐसा करेगा, और दोनों दो पहाड़ हैं जिनके दरमियान मक्का है, उनका इतबार आपस में मिला हुआ है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ करते हैं और अपने जख्मों
और तकलीफों से तजावुज करते हैं, और आपके दिल में जो रंज और गम छिपा हुआ था उसे दरगुदर करते हैं, इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला इनकी पुश्तों से ऐसे लोगों को निकालेंगे जो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, और यही अफवाह है। इसमें ये मर जाए तो औलाद भी नहीं होगी, फिर बिल्कुल मुनकदर उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। इस वजह से उनको जिंदा रखा कि इनके पुश्तों से ऐसी औलाद होगी जो इस्लाम को कबूल करेगी बहुत दूर तक। अल्लाह ताला हम सब लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सीरतों को भी पेश नजर रखने की तौफीक दे। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हम सब लोगों को दीन मुस्तकीम पर कायम मदार रखे, और हुजूर की सुन्नत जो जिस जिस हाल में जो जो रही है हमको कबूल करने की तौफीक दे। दुआ की कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना ربنا على كل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، ان کو دین مستقیم پر قائم و دائم رکھیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.